बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर फर्स्ट केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 12। ये बेसिकली तो कंटिन्यूटी है लास्ट लेक्चर की। मोल्स, मोल्स को हम ग्राम एटम, ग्राम फार्मूला, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन भी हम आज के इस लेक्चर में नोट करेंगे। तो पहला टॉपिक है ग्राम एटम। बहुत इजी है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड एज ग्राम एटम और ग्राम एटॉमिक मास और वन मोल। कि किसी एलिमेंट की एटॉमिक मास को जब हम ग्राम में जाहिर करते हैं तो इसी को मोल भी कह देते हैं, इसी को हम ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास भी कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम्स एंड यूरेनियम इज इक्वल टू 238 ग्राम्स। ये MCQs में बास कर पूछते हैं, जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल्स 12 ग्राम, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इक्वल्स 12 ग्राम। तो इसमें बासकत मिक्सिंग हो जाती है, कन्फ्यूजन आ जाते हैं तादाद के साथ, नंबर ऑफ एटम के साथ। तो ये नंबर ऑफ एटम को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, ये मोल को रिप्रेजेंट कर रहा, ये क्वांटिटी है। यानी ये भी उसी तरह क्वांटिटी का एक यूनिट बन गया ग्राम एटम। ग्राम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोल। यानी ये भी एक मोल को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल में 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O 18 ग्राम्स, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 98 ग्राम्स। ग्लूकोज की एक और एग्जांपल ले दें तो 180 बन जाएगा। अमोनिया दे दें, मीथेन दे दें, एग्जांपल जितनी आप मजीद लिखते जाएं। तो इसमें भी याद रखें कि ग्राम मॉलिक्यूल से मुराद मॉलिक्यूल की तादाद नहीं है, बल्कि ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राम फार्मूला आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। फार्मूला यूनिट मास ऑफ आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला आर ग्राम फार्मूला मास आर मोल। 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 58.5 ग्राम्स, 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 106 ग्राम्स। तो इसी तरह ये आयनिक स्पीशीज के लिए होगा, आयनिक कंपाउंड्स के लिए होगा ये टर्म जो है, इसी को आप एक मोल भी कह लेते हैं। ग्राम आयन, आयनिक मास ऑफ एन आयन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम आयन और ग्राम आयनिक मास और 1 मोल ऑफ दैट आयनिक स्पीशी। तो हाइड्रोक्सिल OH के लिए 17 ग्राम, सल्फेट के लिए 96 ग्राम। ये दरअसल 1 ग्राम आयन है, या इसी को आप 1 मोल भी कह सकते हैं। अच्छा, इसी में एक और पॉइंट जहन में रखें कि हाउ टू कैलकुलेट ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फॉर्मूला और ग्राम आयन। बिल्कुल वैसे जैसे मोल में आपने नोट किया, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास, मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ आयनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय इट्स फार्मूला मास, मास ऑफ आयन डिवाइडेड बाय इट्स आयनिक मास। तो इस तरह से आप इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ एवोगैड्रोस नंबर। तो आप इसे फेमिलियर हैं कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में
जो एटम्स अगर हैं या उसके मॉलिक्यूल हैं या उसके आयनिक स्पेशी के फार्मूला यूनिट्स हैं या आयनिक स्पेशीज के आयंस हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे उनकी जो तादाद है, नंबर है, वो 6.022×10²³ के बराबर है, और इसी नंबर को एवोगैड्रोस नंबर कह देते हैं। सो नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला यूनिट्स और आइंस ऑफ सब्सटेंस इन वन मोल एट एसटीपी इज इक्वल टू 6.022×10²³। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। एनए से आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी। एग्जांपल्स में 1.008 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो ये 1 मोल एटॉमिक हाइड्रोजन होगी। इसमें 6.022×10²³ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अगर 23 ग्राम सोडियम है जो 1 मोल सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें भी इतनी एटम आ जाएंगे। 18 ग्राम अगर वाटर है, ये उसके 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें भी इतने ही मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे। सिमिलरली सल्फेट आइंस हो जाएंगे। इसी तरह ये जो है 6.022×10²³ फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl कहलाएंगे। ये याद रखें कि NaCl का जो एक फार्मूला यूनिट है, ये दो तरह के आइंस पर मुश्तमिल है, सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव आइंस के ऊपर ये मुश्तमिल है। तो ये इस नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम इसकी जो एप्लीकेशंस है, वो गैडर्स नंबर को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल में ला सकते हैं, इससे हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान।